A very good morning, dear children. Welcome back to your EVS class. Children, in EVS, we are doing chapter 19, Animals and Birds. In our last video, we had studied some special features of birds, like feathers, beaks, etc. So, let's proceed the chapter with some other special features of birds, like feet and claws. So, let's start. Feet and claws. Birds use their feet and claws for catching and holding food. Feet and claws होते हैं birds के पैर और पंजे. और feet और claws का use birds किस लिए करते हैं? Food को hold करने के लिए और catch करने के लिए, खाने को पकड़ने के लिए use करते हैं. At times, they also use them for protection against their enemies. और जब ज़रूरत होती है तो वो अपने enemies से बचने के लिए भी अपने claws का use करते हैं protection करने के लिए, ठीक है? Birds like crows, sparrows and mynas have long slender claws. कुछ birds जो जैसे कि crows हैं, स्पैरोज हैं, मैनाज हैं, इनके जो फीट होते हैं, इनके जो क्लॉज होते हैं वो लॉन्ग और स्लेंडर होते हैं, यानी कि लंबे और पतले क्लॉज होते हैं इनके. ओके, दीज काइंड ऑफ क्लॉज हेल्प द बर्ड्स टू पर्च ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. और इस तरह के जो क्लॉज होते हैं ये इनको हेल्प करते हैं ट्रीज की जो ब्रांचेस होती है उस पर पर्च करने के लिए, यानी कि बसेरा करने के लिए, बैठने के लिए. इस तरह के क्लॉज का ये यूज करते हैं फॉर पर्चिंग. ओके, बर्ड्स लाइक हेंस यूज देयर क्लॉज टू स्क्रैच द ग्राउंड फॉर सीड. और हेंस जो होती हैं उन वो अपने क्लॉज का यूज करते हैं स्क्रैच करने के लिए ग्राउंड को. किसके लिए? सीड्स के लिए, यानी दाना चुगने के लिए. जब वो स्क्रैच करते हैं ग्राउंड को तो अपने क्लॉज का यूज करते हैं. पैरट्स यूज देयर क्लॉज टू होल्ड फूड वाइल ईटिंग एंड टू क्लाइंब अप द ट्रीज. पैरट्स यूज करते हैं अपने क्लॉज का फूड को होल्ड करने के लिए. जब खाना खाते हैं वो तो खाने को अपने क्लॉज से, अपने पंजों से पकड़ते हैं और ट्रीज पर चढ़ने के लिए. ओके, बर्ड्स विच फीड ऑन रैट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज. और वो बर्ड्स जो रैट्स को पकड़ के खा जाते हैं या कोई भी छोटे छोटे एनिमल्स पकड़ के खाते हैं तो उनके जो क्लॉज होते हैं वो शार्प और स्ट्रॉन्ग होते हैं. ओके, ईगल्स, हॉक्स एंड आउल्स हैव सच क्लॉज. दीज टाइप ऑफ क्लॉज आर कॉल्ड टैलन्स. ईगल्स हैं, हॉक्स हैं और आउल्स हैं, ये इस तरह के बर्ड्स हैं जिनके जो क्लॉज होते हैं वो शार्प और स्ट्रांग होते हैं. ये अदर एनिमल्स को खा जाते हैं और इनके क्लॉज को क्या कहा जाता है? टैलन्स कहा जाता है. ओके, नेस्ट्स ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों के घोंसले. बर्ड्स का जो घर होता है घोंसले होते हैं. कैसे होते हैं और वो कैसे बनाते हैं? बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स टू लिव. रहने के लिए नेस्ट्स बनाते हैं बर्ड्स. दे ले एग्स इन देयर नेस्ट्स. अपने नेस्ट्स में, अपने घोंसलों में ये एग्स देते हैं. एग्स मतलब अंडे देते हैं ये अपने नेस्ट्स में, अपने घोंसलों में. आफ्टर लेइंग एग्स, अंडे देने के बाद, बर्ड्स कीप देयर एग्स वार्म बाय सिटिंग ऑन देम. फिर ये अपने अंडों पे बैठ जाते हैं, अपने एग्स के ऊपर बैठ जाते हैं उनको वार्म करने के लिए. ठीक है, व्हेन द टाइम इज राइट द एग्स शेल क्रैक्स एंड अ चिक कम्स आउट ऑफ इट. और जब एक राइट टाइम हो जाता है वो अपने एग्स को वार्म करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर बैठकर. और जब राइट टाइम होता है तो उनके एग्स का जो शेल होता है वो क्रैक होता है और उसके अंदर से बेबी बर्ड आता है, यानी चिक. ठीक है, बेबी बर्ड बाहर आ जाता है. दिस इज कॉल्ड हैचिंग. देखो, बर्ड ने यहाँ पर एग्स दिए अपने नेस्ट में. देन बर्ड सिट्स ऑन इट्स एग्स टू कीप देम वार्म.
Then egg shell breaks. Then mother bird feeds its chicks. उसके बाद जो mother bird है वो अपने baby birds को feed कराती है. ठीक है, तो देखा आपने baby किस तरह से egg से बाहर आता है. जो bird है वो यहाँ पर उसने अपने नेस्ट में एग्स दिए. उसके बाद वो बर्ड अपने एग्स पर बैठ गई उनको वार्म करने के लिए. देन एग शेल ब्रेक्स. जो एग्स का शेल था ऊपर का जो हिस्सा होता है बाहरी हिस्सा वो उसके वो ब्रेक हो गया, टूट गया. और उसके बाद जो बेबी बर्ड है चिक है वो बाहर आ जाता है. दिस इज कॉल्ड हैचिंग. ओके, most of the chicks born are helpless, blind and without feathers. जो ज़्यादातर जो chicks होते हैं यानी जो baby birds होते हैं ये helpless होते हैं और blind होते हैं और without feathers होते हैं यानी इनके feathers नहीं होते, ये blind होते हैं जो ज़्यादातर baby birds होते हैं. ठीक है, parents protect them and feed them until they grow their feathers and fly away. उनके पेरेंट्स उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उनको फीड कराते हैं जब तक वो थोड़े से बड़े हो जाएं, उनके फेदर्स आ जाएं और वो उड़ने के लिए एबल हो जाएं. ओके, बर्ड्स यूज डिफरेंट मटेरियल्स टू बिल्ड नेस्ट्स लाइक ट्विग्स, स्ट्रॉ, कॉटन एंड समटाइम्स पेबल्स एंड मड ऑल्सो. बर्ड्स जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स यूज करते हैं अपने नेस्ट्स को बनाने के लिए. जैसे कि ट्विग्स का यूज किया जाता है, स्ट्रॉ का यूज किया जाता है, कॉटन और पेबल्स मड. ठीक है, ये कलेक्ट करते हैं ये मटेरियल और इनका यूज करके ये अपना नेस्ट बनाते हैं. ओके, सम बर्ड्स मेक ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग नेस्ट्स. ऑब्जर्व द नेस्ट्स ऑफ दीज बर्ड्स. कुछ बर्ड्स तो बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग नेस्ट्स बनाते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ब्यूटीफुल होते हैं उनके जो घोंसले होते हैं, उनका जो घर होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है. तो आप इन बर्ड्स के नेस्ट ज़रूर देखिएगा. जैसे द वीवर बर्ड वीव्स इट्स नेस्ट आउट ऑफ ट्विग्स एंड ग्रास. जो वीवर बर्ड है वो अपना जो नेस्ट बनाता है वो ट्विग्स एंड ग्रास से बनाता है यानी तिनकों से, घास से. ठीक है, इस पिक में देखिए आप. ठीक है, और इसका जो नेस्ट होता है वो बहुत ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव लगता है. द नेस्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री. और ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है और ये लटका हुआ होता है, हैंग हुआ होता है ट्री की ब्रांच से. ओके, द बर्ड एंटर्स द नेस्ट थ्रू अ टनल लाइक ट्यूब. यहाँ पे दिखाई हुई है, ये एक टनल लाइक ट्यूब होती है जिसके अंदर से ये एंटर करता है बर्ड. ठीक है, देखो कितना यूनिक, कितना प्यारा सा नेस्ट बनाया है इसने, अपना जो घर बनाया है. जो वीवर बर्ड है ये बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग अपना नेस्ट बनाता है. ठीक है, और एक टनल लाइक ट्यूब से ये यहाँ से एंट्री करता है अपने घर में. ओके, और इनका जो नेस्ट होता है वो हैंग हुआ होता है ट्रीज की ब्रांच से. ओके, द टेलर बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट बाय स्विंग टू लीव्स टुगेदर. देखो कितना इंटरेस्टिंग है. जो टेलर बर्ड है, टेलर कौन होता है, जो कपड़े सिलता है उसको टेलर बोलते हैं, राइट? तो टेलर बर्ड क्या है, देखो टेलर बर्ड अपना घर कैसे बनाता है. वो टू लीव्स को आपस में सील देता है. ठीक है, सीयो होता है सील देना. देखो किस तरह से अपनी चोंच से वो उसको स्विंग करता होगा यानी उसको सील देता होगा, जॉइंट कर देता होगा और अपना नेस्ट बनाता है. इट यूजेज इट्स बीक एज अ नीडल. और अपनी बीक का यूज, अपनी चोंच का यूज कैसे करता है, एज अ नीडल यानी एक सुई की तरह यूज करता है. तभी तो सील पाएगा, स्टिच तभी तो कर पाएगा. तो इसको सील देता है ये. ठीक है, और उसकी चोंच को वो नीडल की तरह यूज करता है. द नेस्ट इज लाइंड विद वूल, ड्राइड ग्रास एंड कॉटन टू मेक इट वार्म. और फिर ये उसको वार्म रखने के लिए ड्राइड ग्रास, ठीक है,
और वूल कॉटन इनका यूज करता है ताकि उसका जो नेस्ट है वो वार्म रहे। ठीक है, स्पैरोज एंड पिजन्स लाइक टू लिव क्लोज टू ह्यूमंस, दे मेक देयर नेस्ट्स इन एनी नुक और कॉर्नर ऑफ अ हाउस। स्पैरोज और पिजन्स जो हैं ये ह्यूमंस के आसपास रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए ये अपना घर लोगों के घर के आसपास ही कहीं कॉर्नर में नुक पे बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको ह्यूमंस के आसपास रहना पसंद होता है। माइग्रेशन, वॉट इज माइग्रेशन? वेन विंटर अप्रोचेज एंड द ग्राउंड फ्रीजेज, मैनी बर्ड्स मूव टू वार्मर प्लेसेज। जब ठंड आ जाती है और जो ग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है बर्ड्स के लिए, तो बर्ड्स क्या करते हैं, वो मूव कर जाते हैं ठंडी जगह से गर्म जगह पर, यानी वार्मर प्लेस पर चले जाते हैं। दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस एवरी ईयर एंड इज कॉल्ड माइग्रेशन। और ये जो मूवमेंट होता है ये एवरी ईयर होता है, यानी ठंड में विंटर्स के टाइम पे जब ग्राउंड भी बहुत ठंडा हो जाता है बर्ड्स के लिए, जो प्लेस है वो बहुत ही ज़्यादा कूल हो जाता है, तो ये मूव कर जाते हैं वार्मर प्लेस पे। ठीक है, और ये एवरी ईयर होता है एंड इज कॉल्ड माइग्रेशन, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन, इसी को माइग्रेशन कहते हैं। ओके, द बर्ड्स माइग्रेट ड्यू टू हार्श वेदर कंडीशंस एंड लैक ऑफ फूड। वेदर कंडीशन, जब हार्श वेदर कंडीशंस हो जाती हैं, यानी कि इनके अपोजिट हो जाती हैं, जब वेदर कंडीशंस ज़्यादा ख़राब हों उस टाइम पे ये माइग्रेट करते हैं, और इन सर्च ऑफ फूड आल्सो। ओके, खाने की जब इनको कमी हो जाती है उस टाइम पे भी बर्ड्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट बर्ड्स रिटर्न टू द सेम प्लेस एवरी समर ड्यूरिंग माइग्रेशन। और साइंटिस्ट ने ये भी सर्च किया है कि जो बर्ड्स होते हैं ये समर में वापस से उसी प्लेस पर आ जाते हैं, यानी जहाँ से ये जाते हैं विंटर्स में माइग्रेट कर जाते हैं वार्मर प्लेसेस पर, जब ये समर आ जाती है तो समर सीजन में ये वापस से अपने ही प्लेस पर आ जाते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ आई एम गिविंग यू अ होमवर्क रिलेटेड टू दिस वीडियो, देयर इज ओनली टू क्वेश्चंस, व्हाट इज हैचिंग एंड व्हाट इज माइग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज हैचिंग, क्वेश्चन 2, व्हाट इज माइग्रेशन। ओके, राइट द आंसर्स ऑफ दीज टू क्वेश्चंस इन योर ईवीएस नोटबुक नीटली एंड केयरफुली। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू चिल्ड्रन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।